प्रिय छात्रों नमस्कार, मेरा नाम संदीप खरे है और जैसा कि आप जानते हैं कि 5/3/2018 से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आप में से कुछ छात्रों को घबराहट महसूस हो रही है तथा कुछ छात्र ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से लिखा जाता है और रोल नंबर किस तरीके से भरा जाता है, विषय कोड कहाँ भरा जाता है, परीक्षा का माध्यम क्या होता है और इंग्लिश के पेपर में परीक्षा का माध्यम क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा में हमें ले जाना चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा के पहले किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए और आपको जो भी जानना है वो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। परीक्षा को आप एकदम सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप अपनी मेहनत, यदि आपने मेहनत की है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी जिससे आप परीक्षा में सही तरीके से लिख पाएँ, क्योंकि लिखते सभी परीक्षा में हैं लेकिन जो तरीके से लिखते हैं उन्हीं के अंक आते हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से एक कॉपी पर लिखा हुआ है, विषय माध्यम विषय कोड परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में, और माहौल बनाने की कोशिश की है ताकि आप उसको एक नज़र देख के समझ पाएँ कि किस तरीके से विषय भरा जाता है, माध्यम क्या होता है, परीक्षा में अनुक्रमांक कैसे डालते हैं और इन सभी इन जैसी ही चर्चाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अपने रोल नंबर और बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको कॉपी दी जाती है तो उसमें कुछ इस तरीके की खाना पूर्ति है जो आपको करनी होती है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले ही ये सब करना होता है और एक जो टीचर होता है वहाँ ये सब आपका चेक करता है कि आपने सही सही भरा है या नहीं भरा है, उसके बाद ही वो साइन करता है आपकी कॉपी पर। तो चूँकि आप अभी जो स्टूडेंट हैं वो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियसली होती है इसलिए आप इसमें कुछ बातें जो ऐसी हैं जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना, जैसे विषय, सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन होगा विषय, तो आप विषय किस जो भी आपका पेपर, जैसे 5 तारीख को आपका पेपर है संस्कृत का, तो आप यहाँ विषय लिख दोगे संस्कृत। माध्यम, भले ही आपका जो पेपर है संस्कृत का है लेकिन माध्यम आप हिंदी ही डालोगे, भले ही आपका इंग्लिश का पेपर हो माध्यम आप हिंदी ही डालोगे। माध्यम का मतलब होता है आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम से, तो वहाँ आप उस तरीके से ही आप हिंदी ही डालोगे यहाँ पे हमेशा। विषय जो रहेगा वो संस्कृत रहेगा। यदि गणित दूसरे नंबर पर, गणित का पेपर है तो आप यहाँ गणित डालोगे। सामाजिक विज्ञान का 3rd नंबर पर है 13 तारीख को, तो यहाँ सामाजिक विज्ञान, या फिर 16 तारीख को विज्ञान का है तो आप विज्ञान, या अंग्रेजी का 21 तारीख को है तो अंग्रेजी, हिंदी जो भी है तो आप यहाँ डाल सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट लिखोगे, माध्यम आपका क्या रहेगा हिंदी ही रहेगा। विषय कोड, विषय कोड जैसे संस्कृत का विषय कोड है आपका 512, तो आप यहाँ पे 512 लिख दोगे। सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 300 है तो आप 300 लिखोगे। गणित का है 100 तो आप विषय कोड लिखोगे 100। आपको प्रवेश पत्र तो मिल ही गया होगा तो आप उसमें देखकर अपने विषय कोड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विषय कोड वहीं बगल से ही लिखा है। और जैसे विज्ञान का पेपर है तो विज्ञान का जो विषय कोड है वो 200 है तो आप यहाँ पे 200 लिख दोगे। अंग्रेजी का यदि पेपर है तो 411 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 411। और हिंदी का जो पेपर है उसका विषय कोड है 001 तो आप यहाँ पे 001 भर दोगे। तो ये होता है विषय कोड। तो आप ये दोनों खाने समझ गए होंगे किस तरीके से भरने हैं। बाकी आप लोगों को, जिन बच्चों को पता है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान से समझते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो होता है, अनुक्रमांक किस तरीके से भरा जाता है, तो आपका जो रोल नंबर होता है वो लगभग 9 अंकों में होगा, तो उसमें इस तरीके के खाने बने आएंगे तो उसमें 9 ही अंक होंगे, तो 9 ही खाने होंगे। तो आपका जैसे रोल नंबर है 18, 25, 33, 998, तो आप इस तरीके से भरोगे 1, 8, 2, 5, 3, 3, 9, 9, 8, इस तरीके से आपको भर देना है 1, 8, 2, 5,
3 3 9 9 8। बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है आपको। बड़े ही प्रवेश पत्र को सामने रख के ये सब करना है परीक्षा सेंटर पर पहुंचते ही। और साथ ही साथ आपको, जैसे अब आपसे अंकों में कहा गया था, तो ये अब शब्दों में किस तरीके से भरना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एक, तो आपको यहाँ लिखना है एक। जैसे यहाँ लिखा है आठ, तो आपको भरना है आठ। यहाँ दो लिखा है, तो यहाँ दो। तो ये सब आपको भरते जाना है। तो आपको इस तरीके से भर देना है, दो लिखा है तो दो, पाँच लिखा है तो पाँच, तीन लिखा है तो तीन, तीन फिर नौ, फिर नौ, फिर आठ। तो ये होता है रोल नंबर भरने का तरीका। तो इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ एक बड़ा सा डिब्बा बना होता है, इस डिब्बे में जो आपका पर्यवेक्षक होता है वो साइन करता है और आपसे साइन करवाएगा। दूसरी वो अपनी खुद की कॉपी लेके आएगा, उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी और हर सब्जेक्ट में आप वहाँ साइन करेंगे कि आप उपस्थित रहे। और इसके साथ साथ ये तो थी कुछ बातें, और भी कुछ बातें हैं जो परीक्षा के पहले आपको घर से ले जानी है, तो चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा देते समय मुख्य बात का ध्यान रखना है, आपको अपने घर से एक घड़ी पहन के जाना है। उससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहता है कि कितने समय में कितना पेपर करना है और कितने समय में मैंने कितना पेपर कर लिया है। और घड़ी पहन जाने का मुख्य जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको सही, आपका जो पेपर होता है वो सही समय पर समाप्त हो जाए, क्योंकि आपको हर मिनट का पता होता है कि कितने मिनट में मेरा पेपर समाप्त हो जाएगा। तो पहली मुख्य चीज़ जो होती है वो वॉच होती है, घड़ी होती है, वो आपको पहन के जाना है। हर कीमत में आपको अपनी घड़ी पहन के जाना है। सेकेंड नंबर पर होता है रुमाल। ये अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रुमाल, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रुमाल का क्या इस्तेमाल है, तो मैं छोटी छोटी बारीकियाँ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना करें। रुमाल का मुख्य कार्य ये होगा कि जब, चूंकि गर्मी आने वाली है, तो क्या होगा, आपके हाथों में पसीना आने वाला है। तो रुमाल क्या कर, वो पसीना क्या करता है, आपकी कॉपी को गंदा कर सकता है, जिससे आपका जो इम्प्रेशन होगा एग्जामिनर पर, जो पेपर चेक करेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यदि आपको अच्छे अंक चाहिए तो आपको रुमाल से पसीने को पोंछने के लिए रुमाल आपका बहुत काम करेगा, इसलिए आपको रुमाल ले जाना चाहिए। ये मेरी सलाह है कि आपको रुमाल ले जाना चाहिए पेपर में। तो बहुत ही ये ध्यान से, घड़ी हो गया, आपका रुमाल हो गया, ये आपको बहुत ही कर लेना है पेपर के पहले पहले। और तीसरी मुख्य बात है, आपको दो ब्लैक पेन और वन थ्री ब्लू पेन ले जाना है। इसका मतलब है दो काले पेन और तीन नीले पेन और एक स्केल होना चाहिए, जबकि मैथमेटिक्स के पेपर में पूरी सामग्री होनी चाहिए, आपका चांदा, पड़काल, स्केल, पूरा कंपास सेट ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको रचनाएं बनानी पड़ेंगी। लेकिन सामान्य जो पेपर होते हैं और विज्ञान के पेपर में पड़काल ले जाना बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दो काले पेन और तीन नीले पेन, इसलिए काले का पेन से आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, और नीले का जो पेन होगा वो आपका आंसर लिखने के लिए रहेगा, और लाल पेन आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अब ये काले और नीले पेन नए खरीद के बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, उसके पहले जब आपने नया पेन खरीदा है तुरंत नहीं खरीदना है, आज ही खरीद लीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि जो पेन फ्री हो जाएगा, जब तक फ्री हो जाएगा का मतलब ये है, जब आप नया नया पेन लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छे से नहीं चलता है, उसका जो छर्रा होता है वो ठीक से नहीं चलता है। तो मैं छोटी छोटी बात आपको बताऊंगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, वो पेन अच्छा फ्री कर लेना है, लगभग आधा सेंटीमीटर रिफिल उसकी खाली हो जानी चाहिए, वो आपको घर पर थोड़ा चला लेना है उस पेन को। जब वो पूरी तरीके से अच्छा कंट्रोल में रहे आपके वो पेन, तब जाके वो आपके काम का रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि आप वहीं सेंटर पर गए, वहीं पेन खरीद लिया और उसी नए पेन से लिखने लगे, तो वो थोड़ी राइटिंग आपकी, एक तो नया पेन जो होता है वो सही ठीक से नहीं चलता है, और उसके बाद जो चलता है तो फिर वो राइटिंग उसकी थोड़ी भद्दी आती है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा पेन अभी ले लें और उसको थोड़ा चला लें, और मैंने जो सलाह दी है आपको, दो काले पेन और तीन नीले पेन, इनको बहुत अच्छे से खाली कर लें, आधा आधा सेंटीमीटर, और अच्छा फ्री करके ले जाएं, और एक स्केल बढ़िया ले जाएं, और विज्ञान के पेपर में पड़काल ले जाना आपके लिए अनिवार्य है, और गणित के पेपर में तो पूरा सामान ही आपको ले जाना है। इसके साथ साथ परीक्षा सेंटर पर आपको 30 मिनट पहले पहुँच जाना है, और ये सब आपकी बातें प्रवेश पत्र में भी लिखी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाना ही चाहिए आपको, बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के, अच्छा
बड़ों का आशीर्वाद लेके पहुंचना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि पेपर मेरा अच्छा जाना चाहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। ये नैतिक पक्ष होते हैं, जो आपके मन में ये विचार आ जाते हैं तो अच्छे विचार से आप अच्छा पेपर करेंगे। साथ ही साथ मेरी ये सलाह है कि आप 30 मिनट पहले ही पहुँचें सेंटर पर, और उसके बाद परीक्षा में किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर भी। जैसे मान के चलिए ये आपकी कॉपी है परीक्षा की, तो आपको जैसे प्रश्न क्रमांक एक करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रश्न क्रमांक एक, प्रश्न क्रमांक एक, और यहाँ आप स्केल से दो लाइनें बहुत ही बढ़िया सी दो लाइन खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप जैसे आपको ऑब्जेक्टिव, मेरी सलाह ये है कि आप ऑब्जेक्टिव तो पहले ही पेज पर करें, भले ही उसको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, यदि किसमें कन्फ्यूजन है बाद में आपको ध्यान आ जाता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आप अभी पहले ही पेज पर करें। जितने ही आते हैं 25 या 20 नंबर के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो पहले या दूसरे पेज पर ही, पहले और दूसरे पेज तक लगातार करें, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। और यदि आप पे 5-5 अंक के क्वेश्चन पहले बन जाते हैं या 6-6 अंक के, तो हालांकि 6 अंक के तो अब आते नहीं हैं, 3-3 के हो गए हैं, इसलिए 5-5 अंकों वाले क्वेश्चन यदि आप पे बनते हैं तो वो आप पहले करेंगे। और यहाँ पर आप स्केल की सहायता से बढ़िया दो लाइनें खींचेंगे, और ये काले के पेन से ही आपको करना है, यानी कि ब्लैक पेन से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद यहाँ आप लिखोगे उत्तर, और यहाँ पर जैसे आपके ऑब्जेक्टिव आए हैं तो फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, यहाँ आपको थर्ड के लिए, फोर्थ, और ये फिफ्थ, 5 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही ये होता है आपको यहाँ पर स्केल से दो लाइनें फिर से खींच देनी है, और टू लाइंस खींचने के बाद आपको फिर यहाँ अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दो लिख देना है, प्रश्न क्रमांक दो, और इसके बाद आपको फिर से लाइन खींच के फिर अपना ये कंटिन्यू करते रहना है, और एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको लाइन खींचना है बढ़िया, और उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एग्जामिनर को बिल्कुल दर्पण जैसा स्वच्छ आपकी कॉपी दिखाई देनी चाहिए, कॉपी की सुंदरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटे के लिए लिखने दी जाए तो आप कॉपी का हाल ही ख़राब कर दो, तो कॉपी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। इसलिए मैंने रूमाल की सलाह दी है, ताकि वो लिखते समय आप उस हाथ के नीचे भी रख सकते हो रूमाल को, और आपके जो हाथों में पसीना आता है वो रूमाल से आप पोंछ भी सकते हो, और उसको आप अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही अच्छे से पेपर देना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसा मैंने बताया है, आप में से आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, और जितना हो सके आप कमेंट में कुछ मुझे बता भी सकते हैं, यदि आपकी कुछ राय है तो मैं ज़रूर उसको लाऊंगा, और अपना प्रयास करते रहिए। थैंक यू।